देखिए वेरिएबल्स क्या होता है, जो कुछ स्टोर करे वैल्यू, ओके, और उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना स्क्रीन ओपन करता हूँ। लेट्स से मैंने ये डिफाइन करा है वेरिएबल इंटीजर से, मैं बताता हूँ। इंटीजर मैंने ए डिफाइन करा है, ये बिल्कुल करेक्ट है मेरा, मैं ए कर सकता हूँ, ठीक है। मैं स्पेशल कैरेक्टर में कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अगर मैं अंडरस्कोर करूंगा तो ये भी मेरा करेक्ट है, ये भी मेरा वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। अंडरस्कोर करूं ए करूंगा मैं तो, अगर मैं वन ए करूंगा तो बताइए वैलिड है कि इनवैलिड है। ये इनवैलिड है क्योंकि जो मेरा कंपाइलर है वो कंफ्यूज है कि इंटीजर के पास डायरेक्टली में ये वन मैंने वैल्यू दिया है या फिर मैं कोई वेरिएबल है, ठीक है। तो ये मेरा इनवैलिड होता है। मैं ए के बाद वन लिख सकता हूँ, मतलब कैरेक्टर के बाद वन लिख सकता हूँ, लेकिन नंबर के बाद कैरेक्टर नहीं लिख सकता, ये मेरा इनवैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो है वन वन ए इज इनवैलिड, ए वन इज वैलिड। इसी तरह अंडर स्कोर ए इज वैलिड, ए अंडर स्कोर इज ऑल्सो वैलिड, ओके। ये कुछ नेमिंग कन्वेक्शन है जो आपको याद करने होंगे, याद रखने होंगे, बेसिकली याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको याद रखने होंगे कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, क्योंकि हर बार जरूरी तो है नहीं कि आप ए बी सी डी ही डिक्लेयर करो। लेट से आप अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो उसमें आप लेट से आपको 48 49 वेरिएबल्स के अगर रिक्वायरमेंट है आपको अलग अलग, तो आप ए टू जेड कर दोगे लेट से, तो फुल हो जाएगा ना ए टू जेड। आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, मैंने ए टू जेड तो सारा ले लिया, अब मैं क्या करूं, अब ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मैं कर सकता हूँ ए वन ले लिया, लेट से मैंने ए वन ले लिया, उसके बाद और कोई भी ले लिया मैंने। अब मैं वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, सब लोग अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को परसेंटेज स्टोर करना हुआ तो मैंने पी आर लिख दिया था परसेंटेज के लिए, और मेरे को कोई और चीज स्टोर करनी हुई तो मैंने उसके अकॉर्डिंग नेम लिख दिया। जैसे मार्क्स स्टोर करना है तो मैंने मार्क्स लिख दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग से स्टोर करते हैं, ये होता है मेरा वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने लेट से डिफाइन किया है ए ए, ठीक है, इंटीजर ए बेसिकली, तो आप इसका आपका ये मेमोरी में कैसे हो रहा है, मेमोरी में क्या हो रहा है, आप इसको कंसीडर करो। लेट से ये आपका एक रैम है, मेन मेमोरी है आपकी, ओके वेट, ये मेन मेमोरी है, और आपका लेट से ये प्रोग्राम है आपका, लेट से आपने ये मेन लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड है, ओके। तो आपको क्या होता है रैम के अंदर ना, आपकी एक कुछ स्पेस आपको अलोकेट हो जाता है जब आप प्रोग्राम रन करते हो, जब तो जैसे कि आपका ये मेन है ना, तो आप आपको समझो कि इतना कुछ स्पेस आपका एलोकेट हो गया आपके इस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसके अंदर आपने डिफाइन किया है ए, तो अगर इसको मैं एक थोड़ा तो बड़ा कर देता हूँ तो ज्यादा से समझ में आएगा। लेट से आपके प्रोग्राम के लिए ये डिफाइन हो गया है, ओके, आपने ए डिफाइन किया है, तो ये आपका ए बन गया है। यहाँ पे इस तरह का एक ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा जिसका नाम होगा ए, ओके। ये क्यों नाम होगा ए, जिसके थ्रू आपका कंपाइलर आपका प्रोग्राम जो है ना वो समझ पाएगा कि मैं किस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। चाहे अगर मैं ए लिख दिया, बी लिख दिया, ऐसे मैंने बी भी डिफाइन कर दिया, सी डी डिफाइन कर दिया, लेट्स से बहुत सारा, और सब में मैंने एक ही वैल्यू स्टोर करी है, ठीक है, सारे में मैंने एक ही वैल्यू स्टोर करी है, और मैं यूज करना है किसी एक को वैल्यू, मैं एक को यूज कर रहा हूँ, एक में अपेंड कर रहा हूँ कोई वैल्यू, मतलब कि कोई वैल्यू चेंज कर रहा हूँ उसके अंदर, मैं कोई नया वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, तो प्रोग्राम कैसे समझेगा कि ये क्या किसकी बात कर रहा है ये, क्योंकि सारे में एक ही है, सारे में मैंने वन स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो सबको अलग अलग डिफाइन, अलग अलग सीपीयू को एग्जीक्यूट कराने के लिए सबको अलग अलग वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम लोग देते हैं वेरिएबल। इसमें कुछ एड्रेसिंग भी होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा एड्रेसिंग क्या होती है। तो ये सिंपल किस तरह वेरिएबल मेमोरी के अंदर, स्क्रीन विजिबल है मेरी, यस तो आप ये देखो क्या, ये मैंने वेबसाइट ओपन किया है programmers.com, यहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर का, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो कि हमने पहले ही देखा है। एडिशन आपने किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लीकेशन किया था, डिवीजन किया था, ये मॉडुलस किया था आपने, याद है, इवन नंबर ऑड नंबर निकालना था तो उसने किया था। यहाँ पे यही लिखा है, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन मॉड्यूलो डिवीजन, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है वो बताता है, समझ में आ गया क्या होते हैं। और ऑपरेटर्स के बारे में आपको डिफाइन करता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होता है। बेसिकली जितने भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो ना, वो सारे ऑपरेटर्स के अंदर कंसिडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही नहीं, आपका कोई कंडीशन हो गया या फिर आपका जो प्री डिफाइंड जो कुछ कुछ प्री डिफाइंड कुछ आपका कीवर्ड्स रखा गया है, उसमें आपका कुछ कीवर्ड्स होता है, कुछ आपका ऑपरेटर्स होते हैं।
जैसे कि प्लस माइनस है आपका, ये ऑपरेटर हो गया ठीक है। कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे करके। देखिए दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, अब मैंने आपको बताया ये देखिए, आप ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करते थे, लेट से आपने किया c इज इक्वल टू ए प्लस बी राइट। तो आपने क्या किया, ये पहले किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे कि आपका कंपाइलर यहाँ पे पहुंचेगा ना इस लाइन के अंदर पास पहुंचेगा, तो पहले आपको देखेगा कि c है ओके, ये एक वेरिएबल समझेगा, फिर इसके बाद इस लाइन पे आएगा, ये दिखेगा कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है ओके। तो फिर ये इसके इधर आएगा, मतलब कि इसको ये कंप्यूट करेगा, इसको ये जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा करके इसके अंदर रख देना है। असाइनमेंट का मतलब ये होता है इसको एग्जीक्यूट क्या करना है, इसको इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है और जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा करके इसके अंदर रख देना है ठीक है। तो फिर इसके पास आया, ये देखा ये ए है ओके, समझ गया कि ए भी वेरिएबल है। तो फिर देखा प्लस आया ठीक है, प्लस है मतलब कि इसको कुछ एडिशन करना है, किस पे एडिशन करना है, बी के ऊपर एडिशन करना है ठीक है। तो इसने उसको दो को उठा करके ऐड किया और ये यहाँ पे स्टोर कर दिया ओके, समझ में आया। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू का मतलब क्या है, ये प्लस इक्वल टू क्या है, आप देख रहे हो कि आपने प्लस देखा है माइनस देखा है, ये प्लस इक्वल टू क्या है, इट इज नथिंग। अगर आपने किया ए इक्वल टू ए प्लस वन, आपने किया ए इक्वल टू ए प्लस वन या ए इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू है मेरी अगर 10, बी की वैल्यू है मेरी 20, तो मैंने ए में क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं ए के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ, जो ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू, उन दोनों का एडिशन करके मैं वापस ए में ही स्टोर कर रहा हूँ ठीक है। यानी कि 10 प्लस 20 उसको उठा के 30 वापस मैं ए में ही स्टोर कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी 30 से और बी की वैल्यू 20 रहेगी क्योंकि बी में कोई चेंज नहीं करा है मैंने। अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने ए के अंदर चेंज किया है, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। ए के अंदर चेंज क्या करा है मैंने, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करा है, यानी कि ए की वैल्यू जो भी है, ए की वैल्यू उसमें कुछ एडिशन या कुछ सब्ट्रैक्शन जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म करके मैंने ए में स्टोर करा है। तो मैंने ये लिखा है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू बी ठीक है। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? यस सर, काम वही करेगा ठीक है। आप यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हैं आपको ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी सेम एज ए प्लस इक्वल टू बी ओके। अब मेरा बात आती है कि मैंने इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं सिंपल ऐसे क्यों नहीं लिखता है ना, सोच रहे होगा आप लोग कि मैं ऐसे क्यों नहीं लिखता भाई, मेरे को ऐसे क्यों लिखने की जरूरत पड़ी है राइट। किसी के दिमाग में क्वेश्चन है, देखिए आपका जब कंपाइलर जब काम करता है ना, तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट काम करने की कोशिश करता है ओके। तो जैसे ही आपका यहाँ पे लेट्स से अगर ए इक्वल टू ए प्लस बी है, उसको क्या हुआ, उसको एक वेरिएबल मिला, इसने स्कैन किया एक वेरिएबल मिला उसको, फिर इक्वल टू मिला उसने, फिर ये देखा फिर उसने प्लस देखा, फिर उसने बी देखा ठीक है। उसको अभी कितनी बार यहाँ पे देखना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स देखना पड़ रहा है। अगर मैं ए प्लस इक्वल टू बी लिखूं तो उसको कितने टाइम देखना पड़ रहा है, स्कैन करना पड़ रहा है, बताइए। 4 टाइम्स। तो एक ऑपरेशन मेरा एक बार स्कैन करना उसका रिड्यूस हो रहा है, कुछ तो रिड्यूस हो रहा है, कुछ ऑपरेशन रिड्यूस कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. कुछ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर रहा हूँ मैं, है ना। सिर्फ ये एक रीजन है, मैंने आपको जो बताया ये एक रीजन है, इसके और भी रीजंस हैं जो आपको मैं अगर अभी बताऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स फॉर्म या इनफिक्स फॉर्म, पोस्ट फिक्स इनफिक्स या फिर प्रीफिक्स फॉर्म कुछ होता है वो। आप जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे ना, सी का ही जब बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है ओके। सो आप अभी सिंपल इतना जानो कि ये एक रीजन होता है इसका, क्योंकि हम लोग इस तरह से क्यों लिखते हैं इसको, ए प्लस इक्वल टू बी क्यों लिखते हैं, हम लोग क्यों डायरेक्टली ए इक्वल टू ए प्लस बी नहीं लिख रहे हैं ओके। जो हम लोग ये यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं इनफिक्स फॉर्म, क्यों, क्योंकि जो ऑपरेटर है ठीक है, ये ऑपरेटर है, ये इन बिटवीन है ऑपरेंड के ठीक है। जो वेरिएबल्स होता है उसको हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे, मतलब कि जो इसके ऊपर कुछ ऑपरेटर जो परफॉर्म हो रहा है टास्क उसके इन बिटवीन है ये, इसको हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे, इसको प्लस को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस जितना भी ऑपरेटर तो आपको बताया मैंने भी क्या होता है, और ये मेरा ये जो वेरिएबल है ये ऑपरेंड है, ये दोनों मेरे ऑपरेंड है, तो ये इन बिटवीन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफिक्स फॉर्म। अगर मेरा ए बी प्लस लिखा होता मैंने तो इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स फॉर्म। सिंपल इस तरह माइनस इक्वल टू है, देख रहे हो आप लोग, वही बात है जो मैंने आपको बताया वही है, इसी तरह सेम इस तरह मल्टीप्लीकेशन का है, इस तरह सेम वही बात है, डिविजन का भी इसी तरह है ओके, वही बात है, इस तरह मॉड्यूलो का भी है राइट।
ठीक है, ए और बी का मॉडुलो कर रहा हूँ, जो आ रही है वैल्यू उसको मैं ए में स्टोर कर रहा हूँ, ओके। ये होता है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए कुछ रिलेशनल ऑपरेटर, अब इसको नाम से कुछ समझ में आ रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर नाम से कुछ, नाम में ही ऐसा कुछ लग रहा है आपको, कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में किसी को कोई? क्या आपको डबल इक्वल टू पहले ही दिख रहे हैं? Yes, मुझे sir. किसने क्वेश्चन पूछा था कि डबल इक्वल टू यूज क्यों करते हैं, क्यों हम लोग सिंगल इक्वल टू यूज नहीं करते हैं? अब आपको पता चला कि हम लोग क्यों से सिंगल इक्वल टू यूज नहीं करते हैं, डबल इक्वल टू यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट। उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है सिंगल इक्वल टू के, उसको राइट हैंड साइड में असाइन करता है, वो लेफ्ट साइड एग्जीक्यूट करके राइट साइड में असाइन करता है। ओके, मैं आपको फिर से बताता हूँ। वैसे अगर मैं सिंगल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, इस पे जो भी ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा, पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट करके, लेट्स सी इतना लंबा आपका कुछ ऑपरेशन है, तो ये पूरा एग्जीक्यूट करके जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं इस साइड असाइन करना है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। ओके, ये असाइनमेंट होता है, ये इसलिए सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट, ठीक है। और डबल इक्वल टू क्या होता है, कंपेयर करता है वैल्यू को, ए बी, लेट्स से अगर ए बी है तो वैल्यू को कंपेयर करेगा, क्या ए की वैल्यू इक्वल टू बी है, मतलब कि क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल है। तो जो भी जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, वो दो चीज रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू ट्रू या तो फॉल्स। अगर ए में लेट्स से मेरा है 10, वेट, लेट्स से ए में मेरा है इक्वल टू 10 और बी में मेरा है 20, तो ये बताए ए इक्वल टू बी है, क्या रिटर्न करना चाहिए इसमें? बोलिए, फॉल्स, एग्जैक्टली फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। और अगर मेरा ए में भी 20 है, बी में भी 20 है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू। तो कहीं ऐसा ही कुछ चीजें हमने उसमें लिखा था, इफ एल्स स्टेटमेंट में कुछ ऐसे ही हमने लिखा था। यस सर, इसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते थे कि ये ट्रू है कि फॉल्स कंडीशन है। अगर ट्रू होगी तो उसके अंदर मेरे को आना है, उस बॉडी के अंदर, अगर नहीं होगी तो उस बॉडी के अंदर मेरे को नहीं आना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक और चीज बताई कि ट्रू फॉल्स जैसा सी में कुछ नहीं होता, जावा में होता है, पाइथन में होता है, ठीक है, लेकिन सी में कुछ नहीं होता। तो सी में ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, अगर कोई भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, अदर देन जीरो, सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होगा, अगर लेट से आपका माइनस वन भी है तो ये भी ट्रू कंसिडर करेगा। अगर जीरो है, अगर कोई वैल्यू जीरो है तो इसको हमेशा फॉल्स कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सी के अंदर अगर वैल्यू कोई भी जीरो है तो इसको फॉल्स कंसिडर किया जाता है। अगर कोई भी वैल्यू, जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू है, वन हो चाहे माइनस वन हो, चाहे माइनस 500 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, उसको ट्रू कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखा, ओके। इफ अगर यहाँ पे मैं जीरो लिखूं, इसके बाद इसके बॉडी के अंदर लिखूं मैं प्रिंट एफ, लेट्स यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ मैं, फॉल्स, ओके, ट्रू लिख देता हूँ, टी आर यू, ओके, ट्रू, या तो एल्स पार्ट में मैं लिख देता हूँ, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये जो मेरा जीरो है इसको फॉल्स कंसीडर किया जाता है, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। ये इफ समझ लेगा कि मेरा फॉल्स हो गया है, क्योंकि जीरो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ऐसा कुछ नहीं होता है, जीरो का मतलब होता है फॉल्स सी प्रोग्रामिंग में, और वन का मतलब होता है ट्रू। तो इसको मैं रन कराता हूँ, देखिए क्या आउटपुट आता है, फॉल्स आया, मतलब कि ये मेरा जो है जीरो है, ये एक फॉल्स है, इसके अंदर कंडीशन फॉल्स लिखी है, तो मेरे को इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना है, सिंपल। तो ऐसा आ गया। और अगर मैं यहाँ पे वन लिखूं तो क्या आएगा आउटपुट? ट्रू आया। वन को छोड़ के मैं लेट से कोई भी लिखता हूँ, कोई भी रैंडम नंबर लिखता हूँ, तो क्या आएगा आउटपुट? True. अगर मैं ये नेगेटिव लिख देता हूँ तो क्या आएगा? True आएगा, क्योंकि सिर्फ जीरो को ही फॉल्स कंसीडर करता है वो, अगर कोई भी जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसको वो ट्रू ही कंसीडर करेगा, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो उसको वो कंडीशन हमेशा ट्रू कंसीडर करता है, चाहे वो माइनस में हो, मतलब नहीं, ठीक है, वो हमेशा ट्रू कंसीडर करता है, सी की ये खासियत है ये। तो उसके बाद दूसरा ऑपरेटर देखते हैं हम लोग, इक्वल टू ओके, ये ग्रेटर देन है, फाइव ग्रेटर देन है, फाइव ग्रेटर देन थ्री, अच्छा मैं एक मिनट कहाँ गया, यहाँ पे मैं डालता हूँ फोर ग्रेटर देन फोर, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है ये? फॉल्स सर, फॉल्स।
फॉल्स का रीजन क्या है? सब बिकॉज़ बोथ आर इक्वल. अब क्या है कंडीशन ये? ट्रू है. एग्जैक्टली अब आपको समझ में आ गया. सिंपल सा, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा, आप खुद समझ रहे हो, देख रहे हो, आप अपने आप को नोटिस कर रहे हो कि आप लोग कॉन्सेप्ट खुद धीरे धीरे ग्रैप्स कर रहे हो. मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद ग्रैप्स कर रहे हो कि आप लोग समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को. अब मैं बताया कि समझना क्यों जरूरी है, याद करने से अच्छा समझना क्यों जरूरी है. अब आपको समझ में आ रहा है रीजन, है ना? Yes. इसको रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा ये बताइए. ट्रू आउटपुट आएगा. एग्जैक्टली बिल्कुल सही, ट्रू आया बिल्कुल आउटपुट. आप बताइए ये क्या, ये कंडीशन गलत है कि सही है? ट्रू कैसा ये कंडीशन? या फोर या तो मेरा छोटा है या तो इक्वल है फोर के, ठीक है. लेकिन फोर मेरा छोटा नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना. यहाँ पे दो कंडीशन लिखा है मैंने, छोटा नहीं है लेकिन इक्वल तो है. इसी तरह लेस देन का है, फोर लेस देन फोर, ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है. फॉल्स है कि ट्रू है? कंफर्म होता है ना, कंफर्म होके बताए. फोर लेस देन फोर फॉल्स है कि ट्रू है? सर फॉल्स. फॉल्स है. फॉल्स है, सही फॉल्स है. अगर मैं लिखूं ये देखिए, हाँ ये देखिए, नॉट इक्वल टू. अब मैं आपको बताता हूँ. ओके अब बताए कंडीशन क्या? फॉल्स. फॉल्स है. रीजन बताए मुझे आप लोग, रीजन बताए मुझे. ये काम नहीं करेगा कि ये अलग है ये अलग, जैसे कि लेस देन इक्वल टू था, इस तरह काम नहीं करेगा ये. मेरा एक कंडीशन कंसिडर करेगा, फोर इज नॉट इक्वल टू फोर, ठीक है. तो ये कंडीशन क्या हो गई मेरी? फॉल्स हो गई. तो ये मेरा, इसलिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया मेरा, ठीक है. समझ में आ गया आप लोग को? यस यस सर. ओके अगर मैं ये लिखूं, ये बताए इसको, देखिए मैंने क्या किया है, ये जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर ट्रू या फॉल्स जो भी वैल्यू आएगी उसको मैंने निगेट कर दिया है ये. अब बताए क्या रिटर्न, क्या आएगा इसका आंसर, बता सकते हो आप लोग? बताए. सो फॉल्स. फॉल्स क्यों आएगा, रीजन बताइए. सो बिकॉज़ सो फॉल्स आएगा, सो वहां पे नॉट इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा. हाँ तो आप ये भी देखिए ना, इस जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या रिटर्न करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर से रिटर्न करेगा मेरा फॉल्स, राइट? क्योंकि ये कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी कि 4 इक्वल टू 4 है, 4 नॉट इक्वल टू 4 नहीं है. और इस वैल्यू को मैं निगेट कर दे रहा हूँ, मतलब कि फॉल्स का ट्रू कर दे रहा हूँ, ट्रू का फॉल्स कर दे रहा हूँ. अगर यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन लगा दिया है तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न आ रहा था, ठीक है. ये इस ब्रैकेट के अंदर से फॉल्स आ रहा था मेरा. यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया, मतलब कि मैंने उसको जस्ट अपोजिट कर दिया है, तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा. नहीं समझ में आया? समीन, समीन जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर जो वैल्यू अगर वो फॉल्स है तो जो आउटर एक्सक्लेमेशन मार्क है उसकी वजह से वो ट्रू हो जाएगी. उसकी वजह से ट्रू हो जाएगा क्यों? ये इसका मतलब होता है नॉट, ये नॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है. ये मतलब कि जो भी वैल्यू होती है या तो ट्रू या तो फॉल्स उसको निगेट कर देता है, उसको अपोजिट कर देता है. अगर ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करती तो ये यहाँ पे लगाने से उसको फॉल्स कर देता, और अगर ये फॉल्स है तो इसको लगाने से ट्रू रिटर्न करा देगा, ठीक है. तो मैं रन करूंगा तो देखिए ट्रू आ गया. ये मतलब मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा मेरा. इसका बेसिकली मतलब होता है नॉट फोर इज नॉट इक्वल टू फोर, नॉट ऑफ फोर इज नॉट इक्वल टू फोर. मतलब ऐसा नहीं है कि फोर इक्वल टू फोर नहीं, फोर इज नॉट इक्वल टू फोर. समझे? Yes. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, है ना? इजी. Yes. है ना मजेदार कॉन्सेप्ट, थोड़ा न्यूमेरिकल है ना, थोड़ा मजा आ रहा है आंसर करने में. Yes. ओके अभी मैं आगे बताता हूँ आपको. सी नॉट इक्वल टू हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने आपको बता दिया, लेस देन इक्वल टू मैंने आपको बता दिया, राइट? यस सर. ओके अब आते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर. इसका आपको, इसको आप पढ़ो, देखो क्या आपको समझ में आता है कुछ. An expression containing logical operator returns either one or zero depending upon a whether expression result true or false. इसका मतलब क्या है बताएं? Commonly used in decision making in C programming. कि logical operator क्या होता है ना, जो कि दो true या false value को compare करता है.
दो ट्रू है फॉल्स वैल्यू को. लेट्स से अगर देखो मैंने ये लिखा है, ये यहाँ पे ट्रू है ठीक है, टी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक यहाँ पे टी है ठीक है. यहाँ पे कुछ ऑपरेटर है, लेट्स से इसको मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, इन दोनों को कंपेयर करता है ठीक है. इसमें अलग अलग तरह की कंडीशन हो सकती है. ये जो हो ना, ये ऑपरेटर है ना, ये अगर लेट्स से लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इसमें तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं. देखिए कौन कौन से होते हैं, एंड ऑपरेटर इसको बोलते हैं, और ऑपरेटर इसको बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर. नॉट के बारे में मैंने आपको बताया है ना, नॉट के बारे में आपको मैंने बताया कि क्या है इसका. देखिए मीनिंग समझ लीजिए, लॉजिकल नॉट ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज जीरो, राइट. समझ में आ गया. तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ लॉजिक गेट के बारे में, बताता हूँ आपको ठीक है. ये आपका इलेवेंथ में कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा. देखिए ये लेट से ए इनपुट है, बी इनपुट है, और ये एंड गेट है ठीक है. एंड गेट ओके. ये एक आउटपुट देता है, ये जो भी वैल्यू है ना उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है ठीक है. ये एक मेरा हार्डवेयर होता है, जो गेट होता है मेरा एक हार्डवेयर होता है, सर्किट होती है, जो कि मेरा आउटपुट देता है. जो भी वैल्यू में दो इनपुट दे रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट देता है ठीक है. तो ये दो इनपुट है, दो बाइनरी इनपुट लेगा, तो यहाँ पे मतलब कि या तो मेरा जीरो जीरो लेगा, या तो जीरो वन लेगा, वन वन लेगा, वन जीरो लेगा, या फिर वन वन लेगा, लेट्स से ठीक है. इसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट करेगा ये, अगर मेरी देखो जीरो का मतलब मेरा फॉल्स है ठीक है. मैंने आपको अभी बता दिया जीरो का मतलब फॉल्स है ठीक है ना. Yes. तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो मेरा फॉल्स है मतलब जीरो. सिंपल, ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी मेरा फॉल्स है, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी मेरा फॉल्स है. अगर दोनों ट्रू है तो भी मेरा ट्रू रहेगा कंडीशन, नहीं तो मेरा फॉल्स रहेगा कंडीशन. समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी 1% भी आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes. अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लॉजिक गेट जो है ना, ये इसकी फंक्शनैलिटी यही है कि आपका इस तरह काम करना है. इसका सिंपल मतलब ये है, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल. ओके, अगर मुझे कॉपी और पेन मिला तो ही मैं पढ़ पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा. मुझे कॉपी भी चाहिए, मुझे पेन भी चाहिए, मुझे दोनों चीज चाहिए, तभी मैं पढ़ पाऊंगा, राइट. समझ में आया, कुछ समझ में आया, थोड़ा सा और 10% 15% और समझ में आया इसके बारे में. यहाँ वन है मतलब भी चाहिए, वन है मतलब मुझे पेन भी चाहिए तो ही मैं पढ़ पाऊंगा, तो मैं सही पढ़ पाऊंगा. अगर मेरे को सिर्फ आप कॉपी दे रहे हो, पेन नहीं दे रहे हो, तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ठीक है. या तो मुझे आप कॉपी नहीं दे रहे हो, मुझे सिर्फ पेन दे रहे हो, तो भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा. आप मुझे दोनों नहीं दे रहे हो तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, सिंपल है. समझ में आपको? इसलिए जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी मेरी, दोनों कंडीशन, तभी ये ट्रू होगा, तभी पूरी कंडीशन ट्रू होगी ठीक है. इसको प्रोग्रामेटिकली अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं. एंड, इसको डबल एंड से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है. एंड एंड वन मतलब ये क्या है, ये आपको समझिए, ये कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, तभी पूरी कंडीशन को ट्रू कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं कंसीडर किया जाएगा. समझ में आया अभी थोड़ा बहुत? यस यस. अभी देखिए आप, मैं इसको, ये ट्रू आ रहा है राइट, ये ट्रू आ रहा है क्योंकि ये वन ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो मेरा ट्रू आ रहा है. अगर मेरा यहाँ पे जीरो लिखता हूँ ओके, तो देखिए फॉल्स आया मेरा, क्योंकि एक कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई. मुझे पेन आपने कॉपी दिया ही नहीं, मुझे आप सिर्फ पेन दे रहे हो, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं. और लेट से अगर मुझे आप सिर्फ कॉपी दे रहे हो और मुझे पेन नहीं दे रहे हो, तो कैसे पढ़ूंगा मैं, तो भी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं राइट, तो भी फॉल्स है. अगर मुझे आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, तो भी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं राइट. इसलिए जो दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तभी मेरा ट्रू होगा ठीक है. ये जीरो की जगह को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. लेट से अगर मैं लिख दिया यहाँ पे इस ब्रैकेट में, अच्छा सेपरेट कर दे रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी ओके. अभी मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ. अगर इस जीरो की जगह मैं लिख दे रहा हूँ बी ग्रेटर देन सी, तो ये मेरा दो अलग अलग कंडीशन हो जा रही है. देखिए ये एक अलग कंडीशन है और ये एक अलग कंडीशन है ठीक है. तो सबसे पहले मेरा इसको एग्जीक्यूट करेगा कि क्या ये ट्रू है, ओके ये ट्रू है, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा क्या ये भी ट्रू है, तो मैं पूरा कंडीशन, तो मेरा पूरा ये जो पूरी बॉडी है, जो आउटर ब्रैकेट है, ये पूरी बॉडी को मेरा ट्रू कंसिडर किया जाएगा. अगर एक भी फॉल्स हुआ तो कंसिडर नहीं किया जाएगा उसको ट्रू ठीक है. इसमें एक कैच भी है, ध्यान दीजिएगा. पहले मेरा ये कंडीशन चेक करेगा, सबसे पहले जब मेरा स्कैन करेगा कंपाइलर आकर के, तो पहले इफ चेक करेगा, मतलब इफ को समझ में आ जाएगा कि उसको कोई कंडीशन है. फिर इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, देखेगा ये कंडीशन है, क्या ए ग्रेटर देन बी है ठीक है, चेक किया क्या ए ग्रेटर देन बी है. अगर ये फॉल्स हो गया तो मेरा इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इसको मेरा चेक ही नहीं करेगा वो ठीक है, क्योंकि ये एंड है ठीक है. एंड में क्या होता है, अगर पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई
तो सेकंड कंडीशन मेरी चेक ही नहीं करेगा वो। ये क्यों होता है, इसका रीजन ये होता है कि ताकि सेव कर सके टाइम। ओके तो चलिए मैं इसका यही मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगा। और दैट यू हैव टू कंपेयर वैल्यू बिटवीन थ्री वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट अमाउंट फॉर इट। ओके सो लेट मी टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटर थ्री नंबर्स, आई विल स्कैन द वैल्यू वेरिएबल, थ्री वैल्यू आई हैव टू स्कैन, A, B, okay, are you getting this line of code? Why I have done that? Okay, इसका मतलब पता चला लाइन का कोड का, जो लिखा if A is greater than B and A is greater than C। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, पहले मैं क्या पहली कंडीशन क्या देख रहा हूँ कि पहले जो यूजर से मैंने तीनों इनपुट लिया उसको मैंने स्टोर कर दिया ए बी और सी वेरिएबल में। ओके उसके बाद मैं कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ क्या ए बी से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए से भी बड़ा है, अगर वो दोनों से बड़ा हुआ तो मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया कि ए इज ग्रेटर, ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा के बोल दिया मैंने ए इज ग्रेटर। ठीक है इतना समझ में आ गया, हेलो यस ए बड़ा नहीं है बी से, तो फिर मैं else if में एक और कंडीशन लिखता हूँ कि क्या b is greater than c। ओके अब यहाँ पे मैंने b is greater than a क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पहली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो मेरे को बार बार कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं आप b is less than a, ओके ये कंडीशन फॉल्स हो गई जिसलिए मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ। ओके मैं आप लिख देता हूँ कंडीशन, आप तो कंफ्यूज हो गए। ओके क्या बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो मेरे को प्रिंट करना है बी इज ग्रेटर एंड वैल्यू ऑफ बी विल बी प्रिंटेड। ओके अगर ए और बी दोनों में से कोई बड़ा नहीं है तो पक्का सी ही बड़ा होगा क्योंकि तीन ही है ना, राइट right? ओके तो इंटर थ्री नंबर्स मैंने दिया फोर सिक्स एंड टू, विच वन इज ग्रेटर ए बी और सी, सभी सभी आउटपुट आना चाहिए सर बी इज ग्रेटर, बी सर आ रहा है आउटपुट, यही एक्सपेक्टेड यही आउटपुट होना चाहिए मेरा, यही आ रहा है राइट right? यस yes. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैंने ए में स्टोर कर दिया फोर, बी में स्टोर कर दिया सिक्स, सी में स्टोर कर दिया मैंने टू, ठीक है यहाँ इस लाइन ऑफ कोड से मैंने स्टोर कर दिया, फिर मैंने चेक किया क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वो क्या बी से बड़ी है, मतलब 4 is greater than 6, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, पहले ही फॉल्स हो गई तो मेरे को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, इस कंडीशन पे मेरा आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है चेक किया क्या नहीं कि इसने कि क्या 4 is greater than 6, ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स, तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर else if पार्ट पे आया तो चेक किया क्या b is greater than a means 6 is greater than 4, राइट कंडीशन ट्रू है। फिर चेक किया क्या b is also greater than c, c की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 6 है, मेरे को 6 greater than 2, ओके दिस कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट दिस। ओके then this condition will be skipped, right? Yes. Okay, let me rerun that 10 65 98, c is greater, यहाँ पे पहले condition check किया क्या a b से बड़ा है, 10 is greater than 65, नहीं तो फिर ये check ही नहीं करेगा। फिर check किया b is greater than a, 65 is greater than 10, right condition 2 है। फिर चेक किया क्या b is greater than c means 65 is greater than 98, no condition false, then it will not execute this line of code also and this will execute this, obviously means c is greater, right? Okay, understand? Yes sir. So अगर कहीं भी कोड में हाँ पूछो सर, अगर सब b में भी सर अगर 98 हो तो सो कौन सा सो करेगा c और या b? कोई नहीं करेगा, उसके लिए मैंने हैंडल ही नहीं कराया कंडीशन,
उसके लिए मैंने कंडीशन लगाया ही नहीं है कि अगर सेम वैल्यू, आप देखो सेम वैल्यू होता है तो क्या आउटपुट करेगा, ठीक है, मैं लेट से तीनों में 10 आउटपुट करता हूँ, तो आप बताओ क्या आउटपुट आएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आउटपुट आएगा। अब मैं एंटर करूंगा तो बताइए, जल्दी बताए विच वन क्या आएगा आउटपुट, विच वन इज ग्रेटर। All are equal, so how it? Yes. All are equal, but it will print something. It will obviously it will print something. What it will print? Sir, A. Sir, because sir, एक sir हो गया, so second पे जाएगा ही नहीं. Okay, आप कह रहे हो A करेगा, मैं कह रहा हूँ A नहीं करेगा तो. Okay, ठीक है. मैंने ten 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 assign करा. A के अंदर मेरा ten assign हो गया, right? B के अंदर भी मेरा 10 असाइन हो गया एंड C के अंदर भी मेरा 10 असाइन हो गया। तो सबसे पहले कंडीशन आया, फिर क्या चेक किया कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर A इज ग्रेटर देन C चेक ही नहीं करेगा, ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा A इज ग्रेटर वाला। ओके, फिर बाद में इसके पास आया, इस कोड के पास आया, else if कंडीशन के पास, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, फिर चेक किया क्या B इज ग्रेटर देन A, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 10, नहीं कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये प्रिंट कर देगा। तो देखिए आप आउटपुट C 10 इज ग्रेटर। ओके, सो ये मेरा तो कंडीशन टर्मिनेट हो जा रहा है ना, इसको मैं हैंडल कैसे करूं, किसी के पास कोई दिमाग आ रहा है? कोई मैं ऐसी कोई? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक व्हाट आई हैव टॉट यू, रिलेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, राइट? नेक्स्ट ऑपरेटर इज और ऑपरेटर। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। So in physics they have studied about logic gates. So this is OR gate. Okay. So OR gate में क्या होता है, यहाँ पे दो इनपुट होते हैं, ए बी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, और एक आउटपुट होता है, इसको हम लोग वायर से कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दो बिट का इनपुट है, तो मतलब कि दो चार कॉम्बिनेशन बनेगी मेरी, 0 0 0 1 1 0 and 1 1, चार कंडीशन बनेगी मेरी। अब इसका आउटपुट क्या आ सकता है अगर मैंने 0 0 इनपुट दिया तो? बेसिकली आपको एग्जांपल समझता हूँ मैं, आप ओके okay, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एकदम लास्ट कंडीशन पे आता हूँ। अगर दोनों वन है तो ऑब्वियसली दोनों में ट्रू है तो ट्रू ही रिटर्न करना चाहिए इसे। ओके, फिर यहाँ पे चेक किया कि आपके आप लेट से बोल रहे हो कि आप मुझे पेन दो तो भी मैं पढ़ लूंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, आप मुझे कॉपी नहीं दे रहे हो तो भी मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, आप मुझे सिर्फ पेन दो तो भी मैं पढ़ लूंगा। ओके, वन कर दिया। फिर दूसरी कंडीशन क्या, आप मुझे पेन मत दो, आप मुझे कॉपी दो, मैं कर लूंगा जुगाड़, पेन का जुगाड़ कर लूंगा मैं तो भी पढ़ लूंगा। ओके, मुझे एक रिसोर्सेस कोई चाहिए तब मैं पढ़ लूंगा, तब मैं अपना काम कर लूंगा। और ये क्या, अगर आप मुझे पेन नहीं दे रहे हो, कॉपी नहीं दे रहे हो, तो मैं कोई एक ही चीज का जुगाड़ कर सकता हूँ, दोनों चीज का जुगाड़ नहीं कर सकता हूँ, सो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब फॉल्स। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, दैट इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट इज होल एक्सप्रेशन विल इवैल्यूएटेड एज ट्रू, राइट? Understand? Yes, sir. समझ में है, कोई डाउट? कि अगर पूरी अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू होगा, पूरा एक्सप्रेशन ट्रू कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो फॉल्स फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा, रीजन? सर बिकॉज़ द फर्स्ट वन ए माइनस बी विल बी नॉट पॉसिबल इन 10 माइनस 20। Why not possible? Everything is possible. It's an integer value. I have told you. Integer. It will come in minus. Sir, minus 10. Minus 10. So what we consider as minus 10 or for two, true or false? Sir, true. True, right? Yes. तो यहाँ पे इसने चेक किया a minus b, मतलब कि 10 minus 20 is equal to minus 10, ठीक है? तो वो जीरो नहीं है, वो कुछ भी हो, जीरो माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, उसे कोई मतलब नहीं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हुआ तो मैं फॉल्स कंसिडर करूंगा उसे। सी प्रोग्रामिंग में ये फॉल्स का मतलब ये होता है कि अगर जीरो हुआ तो मैं फॉल्स कंसिडर करूंगा उसे, बस। आप माइनस में दे रहे हो वैल्यू या प्लस में दे रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये जब ट्रू हो गया कंडीशन, मतलब माइनस टेन इज ट्रू हो जा रहा है कंडीशन, तो ये और के बाद की ये कंडीशन मेरा चेक ही नहीं करेगा, राइट? समझ में आया बात को? कि अगर ये कंडीशन, पहली कंडीशन मेरी अगर ट्रू हो जा रही है ना, तो मेरा सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, वो पूरा एक्सप्रेशन को ट्रू कंसीडर कर लेगा, क्योंकि होता ही अगर 0 1 हुआ तो भी 1 आउटपुट आता है, 1 0 हुआ तो भी 1 आउटपुट आता है। तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड पे जाएगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसको इससे मतलब ही नहीं है, इसको जीरो से मतलब ही नहीं है, पक्का ट्रू ही आएगा, राइट? यस, है ना? यस सर।
समझ में आ गया? सो अब मैं एक एक्सप्रेशन और देखता हूँ. ओके, लेट्स से ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 30, सी इज इक्वल टू 40, एंड जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. ए माइनस 20 इज इन वन ब्रैकेट और पी प्लस इक्वल टू 1. Then print, ये प्रिंट एफ आप कंसिडर कर रहे ना, ठीक है, परसेंटाइल डी एंड कॉमा बी. लेट्स फॉरगेट अबाउट सी. व्हाट इट विल प्रिंट, ये क्या प्रिंट करेगा ये बताइए मुझे. पहले यहाँ पे क्या किया, a माइनस 20 किया, a की वैल्यू क्या है 20 है, 20 माइनस 20 ये रिटर्न किया, इसने जीरो रिटर्न किया, जीरो कंसीडर करते हैं फॉल्स, ठीक है, तो कहा ये फॉल्स है. ओके ओके फॉल्स है, मेरे पास दूसरी कंडीशन भी है, क्या मैं चेक करूं क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, तभी मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूं. ओके, सो मैंने आया बी प्लस इक्वल टू 1, मतलब इसका मतलब सिंपल ये, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1, है ना, कल मैंने बताया था आपको, राइट. तो बी में क्या है, बी में बी की वैल्यू को एक ऐड करके रखना है. बी में क्या है, 30 है और बी में 31 स्टोर करना है मेरे को, तो 31 एक पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो नहीं है, तो वो ट्रू हो जाएगा और बी की वैल्यू भी अपेंड हो चुकी है, तो बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा सिंपल 31, राइट. यस सर. आया समझ में, समझ में आ गया? यस सर. यस सर. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर, आई विल ट्विक दिस सम. यहाँ yes, पे क्या हो रहा है, b माइनस इक्वल टू 20 मीन्स b इज इक्वल टू b माइनस 20. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, इट्स 30. ओके, सो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, सो द कंडीशन इज ट्रू, राइट, सो इट विल नॉट इवेलुएट दिस पार्ट. ओके, इट विल नॉट इवेलुएट दिस पार्ट. समझ में आया? तो a की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 प्रिंट करेगा भाई ये. ओके, क्योंकि ए में मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, क्योंकि इस लाइन पे आ ही नहीं रहा है ये, यहाँ पे ये इस पे आया, इसने देखा, इसको एवेल्युएट किया, इसको कंडीशन मिल गई 10 और 10 ट्रू कंसीडर किया इसने. ओके, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ए की वैल्यू प्रिंट कर दिया, इसने ए को इंक्रीमेंट ही नहीं किया 10 से. समझ में आया क्यों कंफ्यूजन? नो, नॉट एग्जैक्टली, नॉट व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्लीज अंडरस्टैंड. यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू b माइनस 20 है, मतलब b माइनस इक्वल टू 20, तो यहाँ पे इसको 10 मिल गया ना, यहाँ पे 10 आया और 10 को ट्रू कंसीडर किया, ठीक है ना, इतना समझ में आया? यस सर. और ये और है ठीक है, जब इसको एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो ये दूसरा चेक ही नहीं करेगा ये. ओके, इसको एक कंडीशन ट्रू मिल गई ऑलरेडी, इसको ये चेक ही नहीं करेगा, इसको ये जो a प्लस इक्वल टू 10 है ये इसको चेक ही नहीं करेगा, ठीक है, a में कुछ वापस इंक्रीमेंट नहीं किया है, सिंपल जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू उसने प्रिंट कर दिया. अब समझ में आया? यस. जो ये मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, ये एक्चुअली गेट लेवल क्वेश्चंस है, आप लोग को समझ में आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हो आप लोग? आंसर कर पा रहे हो ना आप लोग? सब तो आंसर कर रहे हो, थोड़ा बहुत गलत है लेकिन कर तो रहे हो ना उतना आंसर. मैंने जो बताया कंडीशंस, जो बताई मैंने वो 0001 10 करके जो बताया, वहां पे कंडीशन में अटेंशन दो आप लोग, समझो कि कैसे हुआ है वो. इसलिए मैंने आपको ये भी बताया ना कि एक कंडीशन पहले ट्रू हो गई और में, ठीक है, और में अगर एक कंडीशन पहले ट्रू हो गई तो मेरी सेकंड कंडीशन को इवेल्युएट ही नहीं करेगा, वो वहां पे जाएगा ही नहीं आएगा. ऐसा क्यों होता है? कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए, ठीक है. लेट्स से मेरा कंपाइलर यहाँ पे आया, इसने रीड किया बी, ये 10 हो गया, ठीक है, और उसके बाद इसने रीड किया ये और गेट है, तो और गेट इसको पता है कि ये अब कुछ भी आ गया है, चाहे ट्रू आया या फॉल्स आया, इसको ट्रू ही होना है, तो मैं क्यों अपना एक सीपीयू वेस्ट करूंगा इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए? कोई मतलब बनता है, कोई सेंस बनता है? मैं सीपीयू को वेस्ट करूं, मतलब सीपीयू के अंदर मैं ए की वैल्यू को भेजूं, टू की वैल्यू को भेजूं, ताकि वो इवेल्युएट होकर के आंसर आए,
मैं क्यों वेस्ट करूंगा अपना रिसोर्सेस सीपीयू का कि इसको इवेल्युएट करे फिर पता करे कि क्या आउटपुट आ रहा है, ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये रिसोर्स बचाने के लिए मेरा इसको इवेल्युएट ही नहीं करता है। पहली कंडीशन ट्रू मिल गई, यहाँ पे चेक किया इसने और है, और गेट है, तो बस दैट्स इट। ठीक है, अब निकलो, ये ट्रू हो गया, जो भी अंदर के अंदर है एग्जीक्यूट कर दूंगा। अगर ये फॉल्स होता तो इसको चेक करना पड़ता कि क्या सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है, तब मेरे को उस लाइन इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो नहीं करना है। राइट? यस। समझ? तो उसका बताओ आंसर क्या होगा। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, राइट? इफ ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 10, क्या प्रिंट करेगा? So why? ये ब्रैकेट है, वाई प्रिंट करेगा। कैसे? So because of one condition.